निवेदिता। 2019 में दोबारा जीतकर प्रधानमंत्री पद संभालने जा रहे नरेंद्र मोदी ने देश की संसद में कहा था, उनकी सरकार अगले 5 साल तक सबका साथ सबका विकास के साथ ही सबका विश्वास जीतने की भी कोशिश करेगी। सबका विश्वास जीतने से पीएम मोदी का मतलब था मुस्लिम समुदाय से, जो अभी भी मोदी सरकार से नाराज माना जाता है। पीएम मोदी के सबका विश्वास वाले मंत्र का लगता है नए सांसद गौतम गंभीर पर गहरा असर पड़ा है। तभी तो जैसे ही सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम युवक की पिटाई की खबर आई तो सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भड़क गए। दरअसल राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शनिवार को एक मुस्लिम युवक की मस्जिद से लौटते वक्त कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। पीड़ित शख्स के मुताबिक आरोपियों ने उससे पारंपरिक टोपी उतारने को कहा। इसके बाद जय श्री राम का नारा लगाने को लेकर उन लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। बिहार के रहने वाले मोहम्मद बरकत आलम ने बताया, 4 लड़के मिले, उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए कहा। उनके कहने पर मैंने नारा लगाया, उसके बाद उन्होंने मुझे जय श्री राम बोलने के लिए भी मजबूर किया, जिसे मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद आरोपियों ने एक लाठी लेकर बुरी तरह से मेरे पैर और पीठ पर पीटा। इस घटना पर भड़के पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, गुरुग्राम में मुस्लिम युवक को टोपी उतारने और जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया, ये काफी खेदजनक बात है। गुरुग्राम पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग सेकुलर देश हैं, जहां जावेद अख्तर ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे और राकेश मेहरा दिल्ली 6 में अर्जियां जैसे गाने लिखते हैं। गौतम गंभीर ने एक और ट्वीट किया और पीएम मोदी की बात का जिक्र करते हुए लिखा, धर्मनिरपेक्षता पर मेरे विचार पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से निकलता है। मैं खुद को गुरुग्राम की घटना तक ही सीमित नहीं कर रहा हूँ। जाति धर्म पर आधारित कोई भी उत्पीड़न घृणित है। सहिष्णुता और समावेशी विकास भारत के विचार पर आधारित है। इसी बीच इस पूरे मामले पर गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि इस घटना के पीछे सांप्रदायिक एंगल नहीं है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहा है कि पता चलता है कि 2 लोगों के बीच हाथापाई हुई है, न कि व्यक्तियों के समूह के बीच हुई है। पुलिस ने मामले को लेकर FIR दर्ज कर ली है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। लंबे अरसे के बाद आमतौर पर हमारे देश में एक मूड बना, भाई चुनाव आया है, वोट देना है, किसी को काम देना है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप नेचर बन गया। अच्छा भाई चलो, ये तुमको 5 साल के लिए दिया, तुम ये करके दो और नहीं दिया चल जा, दूसरा आ जा। ये बाय एंड लार्ज हमने लोकतंत्र का यही हाल करके रखा था।
इस बार देश भागीदार बना है। सिर्फ उसने 2014 में हमें बिठाया, ऐसा नहीं, 2014 से 19 तक हमें चलाया भी है। 2014 से 19 वो भी हमारे साथ चला है, कभी कभी हमसे दो कदम आगे चला है। 2014 से 19 उसने भागीदारी की, जिम्मेवारियों को कंधे पर उठाया, वरना देश का एक प्रधानमंत्री नया नया आया हुआ प्रधानमंत्री लाल किले से कह दे कि अरे यार गैस की सब्सिडी छोड़ दो और इस देश के 125 करोड़ परिवार गैस की सब्सिडी छोड़ दे। मतलब सरकार को हम लोगों ने जितना चलाया है, देश को हमने जितना बढ़ाने का प्रयास किया है, उससे ज्यादा 125 करोड़ देशवासियों ने किया है। और उसी का परिणाम है कि यह चुनाव प्रो इनकम्बेंसी, आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी बड़ा नेचुरल होता है, क्योंकि राजी नाराजी उसका एक स्वाभाविक होता है। कभी सांसद के प्रति राजी नाराजी होती है, कभी संगठन में नाराजी राजी नाराजी होती है, कभी वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप को बड़ा दुख होता है, बहुत कुछ होता है और वो एक प्रोफेशनल हैजार्ड भी है। हम कितना भी कोशिश करें लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, लेकिन विश्वास की डोर जब मजबूत होती है तब प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा होता है। ये प्रो इनकम्बेंसी वेव विश्वास की डोर से बंधा हुआ है, विश्वास की डोर से सामर्थ्यवान बना हुआ है, और विश्वास का डोर जनता और सरकार के बीच ही नहीं, जन जन के बीच भी वो विश्वास का डोर बना चला है, और उसमें से ये प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा हुआ है, और इसके कारण ये चुनाव पॉजिटिव वोट का चुनाव है। फिर से सरकार को लाना है, फिर से सरकार को काम देना है, फिर से सरकार को जिम्मेवारी देनी है, इन लोगों के माध्यम से देश को यहां ले जाना है। इस सकारात्मक सोच ने ये इतना बड़ा जनादेश दिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जो पंडित हैं, आज शायद उतना उनका चित्र अभी हो सकता है धुंधला हो, क्योंकि रिजल्ट का प्रभाव भी रहता है, लेकिन जब शांत मन से सोचेंगे, ये धुंधलाहट हटेगी, तो ये सकारात्मक शक्ति का सामर्थ्य क्या होता है और उसको चैनलाइज करने की दिशा में अगर लोग जुड़ेंगे, मैं समझता हूं हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। न सिर्फ सरकार, 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प और पुरुषार्थ और परिश्रम एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर सकता है। इस लोकसभा के चुनाव में जो विजयी हुए हैं, उन सभी विजेताओं को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सभी विजयी किसी भी दल से जीत करके आए हो, किसी भी पार्श्वभूमि से आए हो, लेकिन देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्धता के साथ कंधे से कंधा मिला कर करके भारत के उज्जवल भविष्य के लिए विजयी सभी जन, सभी प्रतिनिधि आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। 4 राज्यों में भी चुनाव थे, उड़ीसा, आंध्र, सिक्किम, अरुणाचल। उन विधानसभाओं में
जो प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, उन उन राज्यों की जनता ने जिन सरकारों को चुना है उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं उन सभी सरकारों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को समर्पित है, भारत के